हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल में। दोस्तों एक बार फिर से मेरे हाथ में है मसल ब्लेज प्रो चेक किट। मसल ब्लेज प्रो चेक किट से हम काफी सारी ब्रांड्स की लाइव टेस्टिंग करते हैं, काफी सारी ब्रांड्स को लाइव टेस्ट कर चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियो डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके वीडियो चेक कर सकते हो। और भी काफी सारी ब्रांड्स को हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं, पर आज जो ब्रांड मेरे हाथ में है वो यूएसए की बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। जो मेरे भाई दो तीन साल से जिम जा रहे होंगे तो उन्होंने इस ब्रांड को देखा या सुना होगा, और जो एडवांस एथलीट है उन्होंने इस ब्रांड को जरूर यूज किया होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मसल फार्मा। दोस्तों मसल फार्मा यूएसए का ब्रांड है, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, कोई भी इस पे शक नहीं करेगा कि ये कैसी क्वालिटी में प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट इसके मिल जाते हैं तो सबको पता है कि भैया ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर दोस्तों आज हम मसल ब्लेज प्रो चेक किट की हेल्प से इसमें देखेंगे कि यहाँ पे मसल ब्लेज प्रो चेक किट का जो टेस्ट है उसमें ये कैसा परफॉर्म करती है। तो मेरे हाथ में है इसका आइसोलेट प्रोटीन। दोस्तों एक स्कूप में मसल फार्मा आइसोलेट प्रोटीन में 27 ग्राम की इसकी स्कूप होती है, 24 ग्राम प्रोटीन ये देते हैं। तो हमें मसल ब्लेज प्रो चेक किट में कितना मिलता है, क्या मिलता है, क्या क्वालिटी मिलती है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो बॉक्स है ये नियर एक्सपायरी है, अगले महीने ये बॉक्स एक्सपायर होने वाला है, तो मे बी रिजल्ट थोड़े से डिफर हो सकते हैं उसकी वजह से, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये लाल कलर का बटन दबा लो, बेल आइकन भी दबा लो, और वीडियो को अपने दो चार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपका शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम अपनी लैब में, जहां पे हमारे सारे सीक्रेट फॉर्मूलाज रखे हुए हैं प्रोटीन्स को, ब्रांड को टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस बार जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हम सबसे पहले इस बार प्रोटीन को मिक्स करेंगे, क्योंकि कई बार प्रोटीन में ना फोम क्रिएट होते हैं और इस प्रोटीन में भी फोम क्रिएट होते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रोटीन को मिक्सअप करके छोड़ देंगे, ताकि जो फोम रहेंगे तब तक वो सेटल डाउन हो जाए, तब तक हम दूसरे जो है ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों कंपनी ने कोई नहीं लिखा हुआ है कि आपको भर के स्कूप डालना है या वैसे नॉर्मल जो है हम इसका राउंड स्कूप डालेंगे। 200 ml पानी लिया था हमने, तो एक बार डब्बे को मैं साइड रख देता हूँ, ये देख सकते हो। एक बार इसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे, तब तक जो इसमें फोम रहेंगे ना वो फोम सेटल डाउन हो जाएंगे। तो मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बताता हूँ कि अगर आपके वे प्रोटीन में भी फोम क्रिएट होते हैं तो आपको भी फोम क्रिएट होने के बाद भी उसे सॉल्यूशन में मिक्स करना है। तो मिक्सेबिलिटी वैसे इसकी काफ़ी अच्छी है, तो इतने में ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है ऑलरेडी, बट इसमें फोम क्रिएट होते हैं, मैंने पहले ही बोला था, अभी भी देख लो ये काफ़ी ज़्यादा फोम क्रिएट होते हैं इसमें, क्योंकि ये आइसोलेट प्रोटीन है, प्योर आइसोलेट प्रोटीन। और किसी भी प्योर आइसोलेट प्रोटीन में आपको पता है कि कोई भी आइसोलेट नहीं, कोई भी कंसंट्रेट अगर प्योर फॉर्म में है तो उसमें फॉर्म क्रिएट होंगे। उससे ज़रूरी नहीं है कि वो फेक है या वो ओरिजिनल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्म इस चीज़ को नहीं बताते। तो दोस्तों दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, सावधानी के साथ हम सॉल्यूशन की बोतल को खोलेंगे और सारा सॉल्यूशन जो है वो हम अपनी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो सारा सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद टेस्ट ट्यूब को एक बार अच्छे से बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे प्रोटीन में बहुत ज़्यादा फोम क्रिएट हो चुके हैं। तो पहले टेस्ट ट्यूब की रीडिंग आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगी दोस्तों 35 ml, ये देख सकते हो आप, तो ये 35 ml रहेगी, ये रीडिंग आप देख लो एक बार पहले। तो अब इसको थोड़ी देर रख देते हैं, क्योंकि हमारे वे प्रोटीन में फोम आप देखो कितने बन गए, वाइट पार्ट दिख रहा होगा आपको, कितने ज़्यादा फोम क्रिएट हो गए। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज कर देते हैं। फोम सेटल डाउन होने के बाद फिर से हम अपनी लैब में रिपोर्ट करेंगे, तो मिलते हैं फोम सेटल डाउन होने के बाद। तो दोस्तों हमारे फोम्स जो है वो बिल्कुल सेटल डाउन हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन है हमारा टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब को धीरे से ओपन करना है और इसमें से 10 ml वे प्रोटीन इस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करना है, बड़ी सावधानी से। ये देखिए मैं लाइव मिक्स कर रहा हूँ आपके सामने, अभी हो गया 5 ग्राम और ये हो गया आपका 10 ग्राम। एक बार मैं इसको रख देता हूँ फिर आपको रीडिंग दूंगा। टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल सावधानी से प्रॉपरली क्लोज कर देना है आपने, तो ये देख सकते हो दोस्तों
ये 45 ग्राम हमारा हो गया है। अब एक बार इसको नेक्स्ट स्टेप अच्छे से आपको शेक कर देना है, जो भी टेस्ट ट्यूब है आपके पास। ओके, इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें जो टेस्ट ट्यूब है इसमें भी फोम क्रिएट हो गए हैं। ये मतलब बाकी के जो मैंने टेस्ट किए थे उसमें ये चीज़ नहीं हुई थी, बट इसमें यहाँ पे फोम क्रिएट हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो बेटर रिजल्ट्स, प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए हम इसको किसी सेफ प्लेस पे रख देंगे। 24 घंटे के बाद हम इसकी एक्यूरेट रीडिंग लेंगे कि 24 घंटे के बाद हमें इसमें क्या रिजल्ट मिलते हैं और कंपनी कितना क्लेम करती है। तो बाकी चीज़ें हम 24 घंटे के बाद डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों मुझे जैसा लग रहा है, एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। देखो बहुत ही जल्दी ये है, एक बार आपको फोकस करके देखो, बहुत जल्दी ये मतलब टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन होना स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हो आप, बहुत ही फास्ट, ये देख सकते हो आप बहुत जल्दी और कितना फास्ट केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो बाकी प्रॉपर रिजल्ट्स हम देखेंगे 24 घंटे के बाद। तो 24 घंटे के लिए तक इसको रख देते हैं, बस मैं आपको दिखा रहा था कि कितना फास्ट इसमें रिएक्शन हुआ है। तो 24 घंटे के बाद दोस्तों मिलते हैं और फाइनल रिजल्ट्स पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी लैब में, जहां पे हमने लाइव टेस्टिंग की थी मसल फार्मा आइसोलेट की। ये है वो टेस्ट ट्यूब। तो दोस्तों ये टेस्ट हुआ था परसों, तो परसों से कल मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। एक्चुअली हमें रीडिंग लेनी चाहिए थी 24 आवर के बाद, पर अभी लगभग दोस्तों जो टाइम हुआ है वो हो गया है लगभग दोपहर के 1:20। तो लगभग हमें 40 से 42 घंटे हो गए हैं इस टेस्ट ट्यूब को हमने सेफली रखा हुआ था। तो लाइव आपको पहले तो रीडिंग दिखा देता हूँ। लगभग दोस्तों इसमें 10 ml के करीब रीडिंग हमें मिली है। तो मसल ब्लेज प्रो चेक किट के हिसाब से देखते हैं कि 10 ml सॉल्यूशन में हमें कितना परसेंट वे प्रोटीन मिलता है। और साइड में दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ कि कंपनी हमें कितना क्लेम करती है। तो दोस्तों अगर 10 से 11 ml आपको दिखा देता हूँ पहले, ये देख लीजिए, अगर 10 से 11 ml वाली हम स्लैब चेक करें तो यहाँ पे जो प्रो चेक कहती है कि हमें मिलता है 75 से 85% वे प्रोटीन। और दोस्तों कंपनी का क्लेम है कि वो कंपनी क्लेम करती है लगभग 88% वे प्रोटीन। तो लगभग लगभग हमें एक्यूरेट मिला है अगर हम यहाँ पे 85% वे प्रोटीन इस टेस्ट ट्यूब में, इस प्रोचेक मसल फार्मा जो आइसोलेट प्रोटीन है उसमें माने कि हमें यहाँ पे मिला है 85% वे प्रोटीन। कंपनी क्लेम करती है 88, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमें उस हिसाब से ये चीज़ सही मिली है। तो दोस्तों एक बार हम इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए एक बार इसका इन्वर्जन टेस्ट करेंगे। सबसे जो इन्वर्जन टेस्ट है उससे पता चलता है अगर आपके प्रेसिपिटेट जो बॉटम में यहाँ पे जमे हुए हैं वो अगर एज इट इज़ रह जाते हैं नीचे, तो अगर वो सॉल्यूशन में दोबारा डिजोल्व नहीं होते हैं तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आपके सामने लाइव अभी मैं देखो धीरे से, तो मसल ब्लेज प्रो चेक किट से हम इन्वर्जन टेस्ट करने जा रहे हैं बहुत स्लोली। आपके सामने लाइव आप देख रहे हो, तो ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आधे प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो चुके हैं और आधे जो है वो बच गए हैं बॉटम में। तो इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब सही है, क्योंकि मसल ब्लेज प्रो चेक किट के अनुसार अगर जो प्रेसिपिटेट है थोड़े बहुत अगर डिजोल्व भी हो जाते हैं तो उसकी क्वालिटी में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, फिर भी उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। तो इसमें लगभग 5 ml के करीब जो है प्रेसिपिटेट बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत डिजोल्व हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये चेक मेरे हिसाब से मसल फार्मा आइसोलेट का जो है वो सही निकला है। आप देख सकते हो अभी भी इसमें प्रेसिपिटेट थे और अभी दोबारा से इसमें वापस जो है रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप मसल फार्मा आइसोलेट के लिए आराम से जा सकते हो, इसमें क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। आगे आप नेक्स्ट किस ब्रांड को लाइव टेस्टिंग करवाना चाहते हो अपने भाई को कमेंट जरूर कर देना। थोड़ा सा प्यार करें वीडियोस को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, थोड़ा सब्सक्राइब करें, इससे आपके भाई को मोटिवेशन मिलता रहेगा। जय हिंद जय भारत।